हेलो गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अभिषेक कोचिंग सर्विसेज यूट्यूब चैनल। और आइए बात करते हैं इस वीडियो में ग्रुप डी एनटीपीसी एग्जाम को 100% कैसे क्लियर करें, 100% कैसे पास करें, मतलब पास नहीं करने का ऐसा कोई गुंजाइश ना हो, यही सब चीज़ के बारे में बात करते हैं इस वीडियो में। तो आइए देखते हैं इसमें मैं क्या बता रहा हूँ आप लोगों के लिए। हाँ प्लीज़, अगर आप लोग ग्रुप डी और एनटीपीसी का फॉर्म डाले हुए हैं या फिर अगर आप लोको पायलट बनना चाहते हैं और अभी अपने लोको पायलट का भी तो फॉर्म है नहीं लेकिन आप ग्रुप डी का फॉर्म डाले हुए हैं, तो मैं आपको एक ऐसा आसान सा तरीका बताऊँगा जो कि आप आसानी से लोको पायलट का एग्ज़ाम दिए बगैर आप लोको पायलट बन जाइएगा। तो इस वीडियो को पूरा का पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले ग्रुप डी और एनटीपीसी एग्ज़ाम्स को। अब देखिए, स्टूडेंट होते हैं दो प्रकार के, दो टाइप के होते हैं स्टूडेंट। एक तो बस नॉर्मली सबको देखा था कि फॉर्म डाल दिए, उनको एग्ज़ाम की तैयारी नहीं है, एक तैयारी है भी तो कॉन्फिडेंस नहीं है, उनको लगता है नहीं कि हम एग्ज़ाम पास कर देंगे। तो ऐसा आप मत सोचिए। वैसे स्टूडेंट जो कि सोचते हैं कि मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन है नहीं, बस मुझे किसी तरह से लोको पायलट या फिर सॉरी ये ग्रुप डी और एनटीपीसी एग्जाम्स को किसी तरह से मुझे क्लियर करना ही करना है, आगे मुझे कोई च्वाइस नहीं, बस यही एग्ज़ाम मेरे को रिजल्ट चाहिए। तो वैसे स्टूडेंट ध्यान से सुनिए हमारी बातें को, और इस तरह के बात को अगर आप सुन लेते हैं पूरा इस वीडियो में तो आप बिल्कुल पास कर पाइएगा, क्योंकि अभी तक हमारा 10,000 से भी ज़्यादा स्टूडेंट का रिजल्ट आ चुका है पिछले 5-6 साल के अंदर में रेलवे के एग्ज़ाम्स में। तो आइए हम वही सब चीज़ के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले कि आपके पास, आप ये सोचिए कि मेरे पास जो दूसरा कोई ऑप्शन है नहीं, हमको किसी तरह से ये ग्रुप डी और एनटीपीसी एग्जाम हो, दोनों में से कोई भी एक मिल जाए चलेगा। दोनों में से आसान तो आपका ग्रुप डी ही है, सिर्फ और सिर्फ एक ही पेपर होगी और इसमें सीट की संख्या भी 1,00,000 से ऊपर है, बाद बाकी हम डिपार्टमेंटल से हम लोग आगे जा सकते हैं, चाहे कुछ भी बन जाए। बोलने के लिए ये सिर्फ ग्रुप डी है, लेकिन वो ग्रुप डी आपका सबसे पहला सीढ़ी हो सकता है, फिर चाहे आगे जाकर के आप एएसएम बने, टीएससीए बने या फिर सेक्शन इंजीनियर बने, जूनियर इंजीनियर बने या फिर आप लोको पायलट क्यों ना बने, आप ग्रुप डी एग्जाम को किसी तरह से पास कर जाइए, उसके बाद आप डिपार्टमेंटल से 1 साल के अंदर आप वो सब चीज़ें बन जाइएगा। तो आप ग्रुप डी को एक सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करिए, उसको छोटा मत समझिए, बस किसी तरह से हमको ग्रुप डी का रिजल्ट चाहिए तो चाहिए। वैसे एग्जाम्स एनटीपीसी का भी है, अगर दोनों रिजल्ट आ जाए तो क्या बात है। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रुप डी एग्जाम या फिर एनटीपीसी एग्जाम। ग्रुप डी एग्जाम और एनटीपीसी एग्जाम जो है दोनों में लगभग में सेम स्टूडेंट ही भरे हैं। वैसे स्टूडेंट अभी देखिए, आपको हमारे देश में नौकरी के लिए काफ़ी ज़्यादा मारामारी चल रहा है, मतलब भीड़, मतलब क्या कि वैल्यू इतना ज़्यादा बढ़ चुका है नौकरी का। पहले तो ऐसा था कि लोग सोचता कि चलो ग्रुप डी नहीं भरते हैं एनटीपीसी भरते हैं, ऐसा नहीं है। अब जो स्टूडेंट ग्रुप डी भरे हैं वो स्टूडेंट एनटीपीसी भी डालें, और दोनों एग्जाम्स का जो सिलेबस है बिल्कुल सेम है, दोनों एग्जाम्स का सिलेबस और पैटर्न लगभग में बिल्कुल सेम टू सेम है। अंतर दोनों में बस इतना ही है कि एनटीपीसी एग्जाम में आपका 2 या फिर 3 एग्जाम होगा, ग्रुप डी में सिर्फ और सिर्फ 1 एग्जाम होगा और दूसरा एग्जाम की जगह पर इसमें फिजिकल टेस्ट होती है। तो आप बस ग्रुप डी को आसान मानिए या फिर एनटीपीसी CBT 1 देखिए। तो दोनों एग्जाम्स का जो सिलेबस है वो बिल्कुल सेम है और दोनों में 100 नंबर क्वेश्चन पूछेगा, मैथ रीजनिंग साइंस GK करंट अफेयर्स ये सब में से क्वेश्चन आते हैं। अब मैं आपको बता दूं बिल्कुल पार्टिकुलरली कि किस किस सब्जेक्ट में से कितने कितने क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। देखिए मैथ में से आपको 27 से लेकर 28 तक क्वेश्चन पूछे जाएंगे, रीजनिंग में भी 27 से 28 क्वेश्चन, यानी कि आपको 55 से 56 क्वेश्चन मैथ प्लस रीजनिंग मिला के आ गया। तो अगर कोई स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ मैथ रीजनिंग को पूरा बना दे 100% और सब सब्जेक्ट को टच भी ना करे तब भी उसका रिजल्ट आ सकता है, 50-55 तो रिजल्ट आ जाती है उसका। फिर देखिए साइंस पेपर है, साइंस में आपका 25 से 26 क्वेश्चन पूछता है, जिसमें कि फिजिक्स में से 12 से 13 क्वेश्चन पूछता है और 12 क्वेश्चन जो है 6 क्वेश्चन आपका केमिस्ट्री और बायोलॉजी में से पूछा जाता है। तो मैं आपको तीनों साइंस के जो तीनों सब्जेक्ट है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, तो इसमें फिजिक्स आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें साइंस का 50% पूछता है फिजिक्स में से, फिजिक्स में टोटल पढ़ना आपको 22 चैप्टर। अब देखिए साइंस हो गया, अब देखिए आपका करंट अफेयर जो है, करंट अफेयर्स में क्वेश्चन पूछता है 15 और जो सब्जेक्ट हो गया GK जिसपे आपको बहुत कम ध्यान देना, उसमें सिर्फ और सिर्फ 5 से 7 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, जिसमें देखिए सब्जेक्ट का नाम देखिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, बेसिक साइंस, बेसिक GK, इसका फिर देखिए गेम GK, ये सारा 7 से 8 सब्जेक्ट मिलाकर सिर्फ और सिर्फ 7 क्वेश्चन।
तो ये तो काफ़ी ज़्यादा नाइंसाफी इन सब्जेक्ट के साथ में, लेकिन स्टूडेंट को ये बात पता नहीं रहता, वो यही सब सब्जेक्ट को पढ़ते रहते हैं, या फिर पुराने स्टूडेंट जिसका रिजल्ट है वो यही सब चीज़ का रिवाइज करते हैं, जबकि रियलिटी ये है आपको मैथ रनिंग साइंस करंट अफेयर्स पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि यही चार सब्जेक्ट आपका 93% को कवर करता है। अब देखिए आपका रिजल्ट के लिए आप अभी के अनुसार मान लीजिए आपको 70 से लेके 75 नंबर आपको करना है, 75 नंबर अगर आपका आ जाता है तो 110% कन्फर्म रिजल्ट आपको मिलेगी। तो इसको करने के लिए क्या चाहिए, क्या चाहिए, जाहिर सी बात है आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, लेकिन पढ़ाई करने के लिए मार्केट का कौन सा बुक आपको इस्तेमाल करना चाहिए ये आपको पता है, आपके पास ये बहुत सारे बुक होंगे, लेकिन आप उसमें देख रहे हो कॉमन चीज़ है कि वहाँ पर कहीं भी नहीं लिखा है कि इसमें से 100% क्वेश्चन इसी बुक में से आएंगे या फिर उस बुक में से आएंगे, ऐसा कुछ नहीं, या फिर स्टूडेंट को भी आइडिया नहीं होता कि कहाँ से पढ़े, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है कौन सा टॉपिक नहीं है, तो इसका भी आइडिया नहीं, या फिर वो जहाँ पर कोचिंग पढ़ते हैं वो भी उसको सही सही उतना अच्छा से नहीं बता पाते जिससे उसका रिजल्ट आ पाए। एक्चुअल में अभी मार्केट में है कि जो लोग आपको पढ़ा रहे हैं उनको खुद को नौकरी चाहिए तो आपको क्या पढ़ाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, सारी प्रॉब्लम्स हैं, सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ एकमात्र है हमारे पास है, मैं आपको बता दूँ हमारे पास है, आप मुझसे मिलिए और हम आपको देंगे हम अपना नोट्स, मास्टर नोट्स, और इस मास्टर नोट्स में से हमारा दावा है कि 90% क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएंगे। इस एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए 90% क्वेश्चन जिस बुक में से आते हैं, जिस नोट्स में से आते हैं, आपको बस वही नोट्स को पढ़ना है और सब चीज़ें ऑटोमेटिक कवर हो जाएगी इसको पढ़ने के लिए। अब देखिए रही बात कोचिंग के लिए, अब आपके पास समय बहुत कम है, 4-5 साल का कोचिंग स्टूडेंट लोग करते हैं पटना में, दिल्ली में या फिर कोटा में रह करके, तब जाके कहीं एक एग्ज़ाम क्रैक हो पाती है। लेकिन आपको एक ऐसा कोचिंग प्लेटफॉर्म के मैं बारे में बता रहा हूँ, वो कोचिंग है स्मार्ट वीडियो कोचिंग मोबाइल एप्लीकेशन, जो कि मैं कोचिंग पढ़ाता हूँ आप लोगों को आपके मोबाइल में एप्लीकेशन के थ्रू, जिसमें हम आपसे मिलते हैं और हम आपके मोबाइल में वो एप्लीकेशन इंस्टॉल कर देते हैं, फिर आपके मोबाइल में वो आ जाती है, फिर उसमें बहुत सारा वीडियो होता है सभी टॉपिक का, आप एक दिन में 2-3 चैप्टर पढ़ा सकते हैं। और हमारी पढ़ाई की जो क्वालिटी है वो कुछ इस तरह से है कि हम आपको जिस टॉपिक को पढ़ा देंगे बस 2 घंटे का एक टॉपिक बस पढ़ लिए, उसमें से आपका एक क्वेश्चन भी नहीं छूट पाएगा। तो यानी कि आपका 2 महीने, वैसे ये कोर्स 3 महीने का, लेकिन आप इस कोर्स को 2 महीने में भी ख़त्म करके आप आराम से पूरे एग्जाम्स को निकाल सकते हैं। तो आपको मास्टर नोट्स लेना है और आपको स्मार्ट वीडियो कोचिंग लेनी है, आप घर पे हो या फिर काम पे हो, जब आपको टाइम मिले तब आप इस, बस आपको हमारा वीडियो देखना है और हमारे नोट्स को पढ़ना है। ये नोट्स ज़्यादा पेज का भी नहीं है, ज़्यादा मोटा भी नहीं है, और ये डिफिकल्ट लैंग्वेज में बिल्कुल भी नहीं है, ये बिल्कुल आसान भाषा में मैंने इसमें दिया है, और जो क्वेश्चन पूछा गया है या फिर पूछे जाने की संभावना ज़्यादा है उसी को मैंने यहाँ पर डाला है, सभी क्वेश्चन को नंबरिंग करके मैंने यहाँ पर डाला है ताकि कोई भी स्टूडेंट इसको पढ़े तो उसको लगे हाँ मैंने चलो इस चैप्टर में से 150 क्वेश्चन या फिर 200 क्वेश्चन मैंने याद कर लिया, फिर मुझे इसमें से क्वेश्चन नहीं छूट सकते, और वाकई में इसमें से क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं छूटते। अब रही बात गाइडेंस की, आपको कौन गाइड करेगा कि आपको एग्जाम्स कैसे निकालने हैं। मैंने देखा है स्टूडेंट की अच्छी से अच्छी तैयारी होती है लेकिन फिर भी वो एग्जाम क्रैक नहीं कर पाते, इसका रीजन एक सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ है, 2 चीज़ है, एक तो उसमें कॉन्फिडेंस नहीं होती कि हम एग्जाम्स को निकाल पाएंगे, दूसरी कि उसको प्रेशर रहता है, प्रेशर कि मैं अपना परफॉर्मेंस वहाँ पे दिखा नहीं पाता है, और तीसरी चीज़ कि 90% स्टूडेंट को वो टाइम मैनेजमेंट करना आता ही नहीं है, उसको 100 क्वेश्चन में से उसके पास समय ही नहीं बचता कि वो पूरा क्वेश्चन को टच कर जाए भी पढ़ भी सके। लेकिन हमारे पास ऐसा तरीका है जिससे कि आप पूरे क्वेश्चन को दिए गए टाइम में 3 बार रिपीट कर सकते हैं, जिससे कि जो क्वेश्चन आपको पहले छूटने वाला था वो सारा क्वेश्चन बन जाएगा, और आपकी तैयारी अगर 50% की हो तो आपको नंबर आएगा 70% या फिर 75%, इतना में तो रिजल्ट 100% हो ही जाएगी बिल्कुल। अगर आपको एग्जाम से संबंधित किसी भी तरह की कुछ भी चीज़ हमसे डिस्कस करनी है तो आप मुझे व्हाट्सएप करिए या फिर आप मुझे डायरेक्टली फ़ोन भी कर सकते हैं। आपको मास्टर नोट्स लेने के लिए इसको आप वेबसाइट पर भी खरीद सकते हैं, और अगर आप अपना एड्रेस मुझे देते हैं तो हम पूरा ऑल ओवर इंडिया घूमते रहते हैं, फिर हम आपके घर पे आकर के आपको ये मास्टर नोट्स, थोड़ी सी हम अपनी तरफ से गाइडेंस जितना पॉसिबल हो सके उस टाइम आधा घंटा या 1 घंटा के लिए, और उसके बाद हम आपको बुक देंगे, फिर उसको पढ़ने का तरीका बताएंगे, फिर आप 1.5 से 2 महीने के अंदर आप पूरा का पूरा सिलेबस को ख़त्म कर सकते हैं, फिर आपको कभी भी
इंटरनेट पे सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि एग्जाम्स डेट कब है क्या है, कभी भी आए आपकी तैयारी तो पूरी है, आपका रिजल्ट तो आ ही जाएगा हमारे तरीके से आप बनाइएगा। तो अगर आप हमारे इस अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि हम आपको इसमें ऐसे ऐसे तरीके बताते हैं कि आप एग्जाम को बिल्कुल आसानी से निकाल ही सकते हैं। तो बस इस वीडियो में बस इतना ही, हम आपको मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें और कोई भी तरह की कुछ भी दिक्कत हो डाउट हो तो आप हमें फ़ोन करके ज़रूर पूछ लें, फिर हम आपको बताएंगे इसका बेस्ट सॉल्यूशन। थैंक यू सो मच।